हेलो एवरीवन, आज मैं एक नई डाई लेकर के आई हूँ जो बहुत अच्छी है बालों के लिए। बहुत बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं हीना की भी जरूरत नहीं है और ना हीना है लिया है मैंने, ना इसमें कोई ऐसी केमिकल वाली चीज ली है। फिर भी आपके बालों को बहुत अच्छा कलर देगी और बहुत ही एक अलग टाइप की डाई है। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, जैसे कम एज में बाल ज्यादा व्हाइट हो गए हैं और जिनकी अभी एज भी नहीं है इतनी। तो अगर वो लोग अभी से अपने बालों को की केयर करेंगे तो डेफिनेटली उनके बाल और ज्यादा, जैसे एज हो जाएगी तो वो व्हाइट नहीं होंगे, वो वही उसकी व्हाइट होने की जो ग्रोथ है बालों की स्पीड जो है वो वही रुक जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको इस टाइप की डाई यूज करनी पड़ेगी जिसमें कोई केमिकल ना हो, दूसरा क्या है आपको आंवला खाना पड़ेगा, क्योंकि आंवला क्या है आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आंखों की, बालों की, आपकी स्किन की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करता है। आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है और जिस वजह से बाल आपके व्हाइट होते हैं वो उसको तो डेफिनेटली खत्म कर ही देगा। तो जो जो चीजें मैंने यूज की हैं वो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं और खास करके उन लोगों के लिए है आज की जो मेरी डाई है जिनके कम एज में बाल व्हाइट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए मैंने जो लिया है ये आंवले का पेस्ट है और मैं बना करके इसको ऐसे ही रखती हूँ फ्रिज में। तो अभी बस मेरा ये थोड़ा बचा है, ये लास्ट है, तो मैंने सोचा चलो इसी में ही रेडी कर देती हूँ। तो ये मैंने बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाया है आंवले का। तो इसको क्या करना है, इसमें मुझे किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जो मैंने लिया है आंवले के साथ, ये मैंने ब्लैक, ये जो रोस्टेड शिकाकाई और इसके साथ मैंने जो चाय की पत्ती है दोनों को मिक्स करके उसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके और उसको ठंडा करके उसका पाउडर बनाया है। तो उसको आप कितनी भी, अभी ये मत पूछना कि इसमें मैंने चाय की पत्ती कितनी लेनी है, शिकाकाई कितनी लेनी है, आप अपने अंदाजे से जितनी भी लेनी है आप ले लीजिए, बस उसका पाउडर बनाना है, ठीक है। तो अगर आप उसको अलग अलग पाउडर बनाएंगे तो भी अच्छा है, अगर मिक्स करके बनाना चाहेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि चाय की पत्ती भी आप हिना में यूज करते हो अपनी डाई में और शिकाकाई भी यूज करते हो। तो आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए, जैसे आपको सुटेबल लगे, जैसे आपके लिए आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करके बनाना है। अगर आप अलग अलग लेना चाहें तो आप अलग भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अलग अलग आप इसको रोस्ट करके उसका पाउडर बनाएंगे तो फिर 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती का पाउडर, 1 चम्मच के करीब शिकाकाई लेनी है। तो मैंने इसको मिक्स करके रखा हुआ है तो मैं इसलिए दोनों को मिक्स करके 1 ही चम्मच लूंगी, क्योंकि मैं 2 चम्मच लूंगी तो ये फिर ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होकर नुकसान तो नहीं करेगा लेकिन मैं फिर भी 1 ही चम्मच लूंगी। तो मैं क्योंकि बार बार मुझको नापने में आधा चम्मच 1 चम्मच में प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर पूरे हिसाब से रखती हूँ सब चीजें मिक्स करके, ताकि सब चीजों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल हो। अगर आपको आंवला शिकाकाई का पाउडर बनाना है तो आंवले की क्वांटिटी ज्यादा रखिए। अगर आपको जैसे कि आपको पूरा एक एक ये कटोरी आपको पूरा भर करके आंवला का, 2 कटोरी अगर आंवले का आपको लेना है, आंवला लेना है तो उसमें 1 कटोरी के करीब ये है, ये 1 कटोरी लेना है शिकाकाई, ठीक है। आपको उस हिसाब से लेना है, जब भी कोई हाफ साफ अगर मिक्स करके पीसते हो तो आंवले की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रखिए, क्योंकि आंवला ही बालों को काला बनाता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें मैंने आंवले का पेस्ट लिया है तो इसमें 1 चम्मच के करीब मुझे डालना है शिकाकाई और चाय की पत्ती को रोस्ट करके जो मैंने पाउडर बनाया है, 1 चम्मच के करीब वो डालना है, 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालना है। और ये जो मैंने लिया है, ये मैंने जो चावल को धोकर के उसका जो पानी होता है, तो मैंने क्या किया उसको चावल को धोकर के उसका पानी नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास चावल का आटा रखा हुआ था। तो चावल को धो करके मैं उसको पानी, क्योंकि चावल को जो ये पानी होता है बालों के लिए इतना अच्छा होता है, एकदम बेस्ट होता है, बाल इससे इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, इतना शाइन करते हैं आपके बाल, तो ये बहुत ही अच्छा है। लोग क्या करते हैं, हेयर वॉश जैसे शैम्पू कर लेते हैं तो उसके बाद चावल के पानी से बाल धोते हैं, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा शाइन करते हैं और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, इतने ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, उसमें चावल को मैंने घोल करके, इसको मेरे पास आटा था क्योंकि मैं सब चीजें मैंने आपको बताया मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे को धो करके पानी निकालना ये बड़ा झंझट लगता है, तो मैं इसीलिए सब क्या करती हूँ पहले से ही अपना सब रेडी करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे एकदम से कुछ भी करना पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको क्या करूंगी, इसमें मैं ये चावल के आटे का पानी डालूंगी, चावल का पानी ही समझ लीजिए। तो इसको क्या करना है, मैं इसमें मिक्स करूंगी और 1 चम्मच के करीब करूंगी मैं इसमें रोस्टेड शिकाकाई, 1 चम्मच के डालूंगी एलोवेरा जेल, बस इसमें इतना ही डालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से चलाना है, देखिए अब ये पेस्ट ऐसा हो गया है। इसको क्या है, मैंने इसमें चावल का पानी डाला है तो इसको आपको रखना नहीं है,
दूसरा क्या है, मैंने जो शिकाकाई डाली है और एलोवेरा जेल डाला है, तो और ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाता है। और आंवला जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैं इसको 2-3 दिन कढ़ाई में भिगा करके रखती हूँ, फिर इसका बॉयल करके पेस्ट बनाती हूँ ठंडा करने के बाद, फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं तभी उसको यूज करती हूँ, निकाल देती हूँ, 1-2 दिन पहले कढ़ाई में रखती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसको 1-2 दिन पहले कढ़ाई में निकाल करके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे इसे अभी के अभी लगानी है। और ये आंवला ऑलरेडी इतना काला हो रखा है, फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब आयरन पाउडर डाल सकते हैं। पर अगर फिर भी आपके पास आयरन पाउडर नहीं है तो आप इसको आधे घंटे के करीब लोहे की कढ़ाई में डाल करके रख दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको लगाइए। और इसको इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है, ना मेहंदी ना कुछ। और आपको ये जब भी आप हेयर वॉश करते हैं आप इसको 1 घंटा पहले लगाइए हेयर वॉश करने से पहले, तो इससे आपके बाल क्या है, आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रफ है, डैमेज है, जिन लोगों के बाल, जो लोग केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं, कलर कराते हैं, जैसे कि कलर बाल बालों को ब्लैक करने के लिए नहीं, बालों को कलरफुल करने के लिए, जैसे कि कोई भी कलर करा लेंगे, कोई बरगंडी या कोई थोड़ा ब्राउन या जो भी उनको ठीक लगता है फैशन के, उससे तो वो उससे क्या होता है, कलर वाली चीजें बहुत ज्यादा आपके बालों को डैमेज कर देती हैं। जो लोग ड्रायर ज्यादा यूज करते हैं, जो लोग बालों में स्ट्रेटनिंग कराते हैं, सबके लिए बहुत ही चीजें, बहुत केमिकल वाली चीजें होती है, तो बालों के लिए बहुत ज्यादा खराब कर देती है बालों को। तो ये जो डाई है मेरी, ये बालों को काला करेगी, साथ में बालों को रिपेयर भी करेगी। आपके जो मैंने एलोवेरा जेल डाला है बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, और जो चावल के आटे का जो पानी डाला है मैंने, चावल का पानी, ये बालों को इतना ज्यादा शाइन करता है, आपके बालों को इतने ज्यादा शाइन करेगा जब भी आप इसको यूज करेंगे डाई में मिला करके। और जो आंवला मैंने डाला है और उससे शिकाकाई डाली है, बाल बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, काले हो जाएंगे आपके बाल इससे, तो एकदम से नहीं होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इससे एकदम से बाल बिल्कुल काले नहीं होंगे। और जिन लोगों के बाल बहुत ही कम एज में बाल ब्लैक व्हाइट होने शुरू हो गए हैं, उन लोगों के लिए है, वो भी यूज कर सकता है, और जिनके बहुत ज्यादा व्हाइट होंगे वो भी यूज कर सकता है। तो इसको लेकिन क्या, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी डाई है और बहुत ही इफेक्टिव डाई है। तो अगर आप इसको इस तरीके से यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके बालों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, और बहुत ही सिंपल डाई है, बहुत ज्यादा सिंपल डाई है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।